ओम नमो आदेश गुरु जी को, सभी दर्शकों को जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंडित नरेश नाथ जी वीडियोस में आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक शनि मंत्र प्रदान करने जा रहे हैं। ये शनि मंत्र एक अत्यंत ही चमत्कारी मंत्र है। शनि के सभी दोषों को दूर करने के लिए ये एक राम बाण प्रयोग है। विश्व में ऐसा कोई दूसरा विधान आपको शनि शांति के लिए प्राप्त नहीं होगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। शनि भक्तों के लिए शनि की कृपा प्रसाद प्राप्त करने का ये सरल सा रास्ता है। मित्रों, शनि साधना और शनि के मंत्र के बारे में बताने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को दोबारा हरगिज ना भूलें, जिससे हमारे प्रत्येक नई वीडियो की जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो और उसे देखकर आप पूरा लाभ उठा सके। मित्रों, शनिदेव के नाम से हर व्यक्ति परिचित है। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। शनि की दृष्टि को वक्र दृष्टि कहा जाता है और कहते हैं कि जिस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए उसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन जिस पर शनि की कृपा हो जाए उसका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, ये बात भी पूर्णता सत्य है। मित्रों, कुंडली में जब शनि देव की महादशा चल रही हो या शनि अशुभ पड़ा हो, शनि मार्केश हो, रोकेश हो या द्वादश स्थान का स्वामी हो, किसी भी अशुभ ग्रह के साथ पड़ा हो या कुंडली में किसी भी प्रकार की अशुभ स्थिति बना रहा हो या अशुभ फल दे रहा हो, सब प्रकार की अशुभता को समाप्त करने के लिए आज का ये विधान आपके लिए साक्षात ईश्वर का वरदान साबित होगा और शनि की कृपा प्रसाद प्राप्त करने का एक सरल रास्ता होगा। मित्रों, आज के इस प्रयोग को हमने स्वयं किया और बहुत से लोगों को इस प्रयोग को करने के लिए कहा और बहुत से लोगों के लिए ये विधान हमने करवाया भी है। जिसके लिए भी ये प्रयोग किया वह आज शनि की कृपा से सुखी व संपन्न है। मित्रों, यदि आपको भी शनि के नाम से भय लगता है, आप भी शनि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज का ये प्रयोग आपके जीवन को उन्नति की ओर ले जाएगा और शनि के समस्त भयों को समाप्त कर शनि की कृपा प्रसाद प्राप्त करने में आपको सहयोग करेगा। मित्रों, ये हमारा दावा है। शनि जिनको अत्यंत क्रूर ग्रह बताकर लोग अपनी जेब गर्म करते हैं, मित्रों असल में शनि बहुत ही कृपालु ग्रह हैं। शनि जैसा कृपालु ग्रह दूसरा कोई नहीं। शनि की दृष्टि को ही बुरा माना जाता है, लेकिन शनि देव ही एक ऐसे कृपालु ग्रह हैं जो कभी सीधी दृष्टि से नहीं देखते, वक्र दृष्टि से अपने ही पांव में देखते हैं। अर्थात शनि देव ये चाहते हैं कि उनकी दृष्टि किसी के ऊपर ना पड़े, इसीलिए वह सदा अपने पांव में ही दृष्टि जमाए रहते हैं। फिर भी शनि को क्रूर की संज्ञा दी जाती है। मित्रों, आज का ये प्रयोग आपकी सोच को बदल देगा, आपकी जिंदगी को बदल देगा और शनि के अशुभ प्रभाव को पूर्णता समाप्त कर शनि के आशीर्वाद को प्रदान करेगा। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं साधना की विधि। आप ये प्रयोग किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखें कि गुरु और शुक्र उदय होने चाहिए। बाकी शुक्र पक्ष में भी आप कर सकते हो और कृष्ण पक्ष में भी इस प्रयोग को आप कर सकते हो। यदि शनिवार की अमावस्या हो तो अति उत्तम है। तो मित्रों, साधनावत सभी नियमों का पालन आपको करना है। ये साधना आप अपनी समर्थानुसार 11 दिन में, 21 दिन में, 31 दिन में, 41 दिन में या 51 दिन में कर सकते हैं। पूर्णता सात्विक जीवन जीना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि पर शयन करना है, एक समय भोजन करना है। आप फलाहार ले सकते हैं, जूस पी सकते, आप दूध का सेवन कर सकते हैं। मित्रों,
लेकिन भोजन एक समय करना है, वो भी सात्विक भोजन करना है। यदि आप छल कपट का त्याग कर पूर्ण ईमानदारी और श्रद्धा और समर्पण के साथ इस साधना को करते हो तो शनि की साक्षात कृपा आप पर बरसेगी और आपके सभी दुख दरिद्र सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। मित्रों, शनि साधना में आपको जिस दिव्य मंत्र का जाप करना है उस मंत्र के लिए आपको जो माला प्रयोग करनी है वह काले रंग की हकीकी माला या रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा की गई चैतन्य शुद्ध की गई माला का ही प्रयोग करना है। जाप करते समय आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा, वस्त्र भी काला और आसन भी काला रहेगा। सामने लकड़ के बजोट पर तिल के तेल की जोत जगाकर धूप जलाकर और जाप आरंभ करें। सर्वप्रथम आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें, इष्ट मंत्र का जाप करें, गणेश मंत्र का जाप करें, स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता और पितर देवता को नमस्कार करें। शनि देव से अपने कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करें और पूर्णता समर्पण और भाव के साथ साधना आरंभ करें। तो मित्रों, इस साधना मंत्र का आपको 96,000 जाप आपको करना है। अब आप ये डिवाइड कर लें, आप अपने हिसाब से दिनों में इसको बांट लें कि आप 11 दिन में कर सकते हैं, 21 दिन में कर सकते हैं, 31, 41 या 55 दिन में। 56,000 जाप आपको करना है और जितने भी दिन में आप ये साधना करना चाहें उतने दिन आपको पूर्णता सात्विक जीवन जीना है अति अनिवार्य रहेगा, तभी आपको शनि की कृपा प्राप्त होगी। और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि मित्रों, इस अनुष्ठान के बाद आपको जीवन में कभी भी शनि के कोप का भागी नहीं बनना पड़ेगा और सदा आपके ऊपर शनि की कृपा बरसती रहेगी। तो मित्रों, ये तुसी साधना की विधि। ओम सत्य नमो आदेश गुरु को, आदेश शनि राजा सिमरू तोहे, शनि राजा को जल में सिमरू, थल में सिमरू, रण में सिमरू, वन में सिमरू, जहां सिमरू तहां होए सहाय, ना होए सहाय तो तुझे ग्रहपति सूर्य की दुहाई, भाई यम की दुहाई, बहन यमुना की दुहाई, ब्रह्मा विष्णु महादेव की दुहाई। इतना मंत्र मेरे गुरु देव का वाचा, गुरु शब्द जुगो जुग सांचा। मित्रों, इस दिव्य मंत्र का आपको जाप करना है, इस मंत्र से आपके सभी दुख दरिद्रों का अंत हो जाएगा और सदा आप पर शनि महाराज की कृपा बरसती रहेगी। तो मित्रों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि शनि के नाम से लूट करने वालों की दुकानदारी बंद हो सके। तो मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो के संबंध में यदि आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो आप हमें प्रातः 10 बजे से लेकर मध्याह्न 12 बजे तक कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आज इतना ही। जय महाकाली, जय गुरु।